नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। शनिवार की सुबह देवरिया पुलिस के 10 थानों की टीम एसडीएम सौरभ सिंह की मौजूदगी में बैतालपुर ऑयल डिपो के आसपास छापेमारी करने पहुंची, जहां से करीब 2000 लीटर अवैध तेल पकड़ा गया। इसके अलावा भारी मात्रा में तेल निकालने के उपकरण, 13 की संख्या में टैंकर एवं 2 दर्जन से अधिक लोगों को कब्जे में लेकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की योजना बनाई गई। इस जनपद के कस्बा बैतालपुर के पास स्थित इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीएल के ऑयल डिपो के बाहर जो टैंकर भरकर निकलते हैं, उनके द्वारा डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के चोरी कराए जाने के संबंध में और कुछ अभियुक्तों द्वारा चोरी किए जाने के संबंध में थाना गौरी बाजार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। इन 3 अभियोगों की विवेचना के दौरान एक व्यापक कार्रवाई के तहत तेल चोरों के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में जहां 3 टैंकरों से ऑयल चोरी करते हुए उन्हें रगे हाथ पकड़ा गया, वहीं मौके से लगभग 5,500 लीटर से ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट बरामद हुआ है। भारी मात्रा में जरीकेन और पिलपरेज करने वाली पाइपें और अन्य सामग्री बरामद हुई है और इस पूरे ऑपरेशन में 22 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस संबंध में जो आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया है, उसके अतिरिक्त ईसी एक्ट के तहत तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस प्रकार ये जो दुर्दांत अपराधी हैं, ये अन्य कोई अपराध न कर पावे और इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। और ऑयल डिपो के बाहर जो टैंकर तेल लेकर के जाते हैं, वो निकलते ही कुछ तेल की मात्रा लोगों के साथ मिलकर के निकाल देते हैं और फिर अपने गंतव्य पर जाते हैं। इसकी शिकायत थी, पूर्व में भी एक बार ऑपरेशन इस पर हो चुका था। आज डीएम साहब की पूरी टीम, उनके पूरे राजस्व के अधिकारी, मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की हमारे करीब 2 दर्जन जो 1.5 दर्जन थाना अध्यक्ष हैं, उनकी टीम ने एक व्यापक कार्रवाई सवेरे भोर में किया है, जिसमें दर्जनों लोग पकड़े गए हैं और टैंकर से तेल निकालते हुए लोगों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। इनके विरुद्ध आईपीसी में और अन्य एक्ट्स में जो संगत नियम हैं, उनके तहत कार्रवाई की जाएगी और साथ ही इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस तरह की का जो अपराध है, ये अपराध करने से लोग बच जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।